गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आप लोगों को जो बच्चे 10th पास कर लिए 10th पास, जैसा कि जानते हैं जो स्टेट बोर्ड का रिजल्ट तो पब्लिश हो गया, लेकिन CBSE बोर्ड का कुछ पार्ट एग्जाम रुकी हुई थी। अब क्या होगा, जिस तरह से निर्णय आया है जो उसको पिछले मार्किंग के आधार पे ही मार्क दे दिया जाए, उसी के आधार पे रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए, तो ये बात भी स्पष्ट हो गया। यानी आप पूर्ण रूप से चले गए 11th। तो अभी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है जो सिलेबस कवर कैसे होगा, कैसे स्टार्टिंग होगा, अभी आप लोगों को समय है। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में इनिशियली में 12th वाले के लिए जो वीडियो लेक्चर दिए, फर्स्ट वीडियो लेक्चर, उसमें सारी बात को हम मेंशन कर दिए हैं। तो आज हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं, जो आपका भी वीडियो अपलोड होगा और वे होगा सप्ताह में 3 दिन, और वे सबसे जो बेस्ट दिन है वे है ट्यूसडे, यानी फर्स्ट क्लास आपको ट्यूसडे को मिले, उसके बाद थर्सडे को मिलेगा, और उसके बाद सैटरडे को मिलेगा। अभी आपको सिर्फ सप्ताह में 3 क्लास होगा, मंगलवार, मंगल फिर बीच में गैप रहेगा, उसके बाद बुध नहीं बृहस्पतिवार, फिर बीच में गैप होगा, शुक्र नहीं शनिवार। ऐसा इसलिए हम करने जा रहे हैं जो पहले आप पढ़ने के प्रति अट्रैक्टिव हो, जो पढ़ाई क्या है, स्पेशली जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, बिहार पटना में तो इसी तीनों ही बोर्ड का मैक्सिमम स्टूडेंट होता है, तो उसके लिए इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो इंग्लिश के लिए टेंशन नहीं लेना है, आप ये सोचे जो आपके गांव में कोई डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, या अदर जो जॉब कर रहे होंगे, वे भी इंग्लिश मीडियम, यानी पहले थे हिंदी में और उसके बाद पटना में आए तो इंग्लिश पर है, क्या आज कुछ कर रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है जो यहाँ पे जो वीडियो अपलोड होगा इंग्लिश में उसको लेकर के टेंशन हो जाना है, उसमें सारी बात तो हिंदी में ही समझाया जाता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये वीडियो आपको मिलेगा 4 to 6 PM में, और यही आपका बैच टाइम होगा। ये जब हम लोग फेस टू फेस ऑफलाइन मिलेंगे तो ये आपका बैच टाइम होगा 4 to 6 PM, और जब ये बैच फुल हो जाएगा उसके बाद 7 to 8 AM। तो अभी आप जो हम के साथ अपलोड करेंगे वे 4 to 6 PM। अब ये नहीं सोचना है जो 4 to 6 PM में नहीं होगा तो फिर क्या टेंशन होगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है। अभी 4 to 6 PM में आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको करना क्या है, आपको डेली नोट करना है, एक कॉपी, थोड़ा सा कॉपी अच्छा लेना है, उस मोटी कॉपी होना चाहिए, उस कॉपी में आप डेली का डेली क्या करेंगे, नोट करेंगे। और यदि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपसे हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा लिंक,
प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो अभी जो हम बात करेंगे वे फिजिकल, फिजिकल और फिजिकल के कुछ दिन के बाद फिर ऑर्गेनिक बात करेंगे। क्यों, क्या है ऑर्गेनिक में थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए, यानी वीडियो आपका ज्यादा ड्यूरेशन का हो जाएगा, और ज्यादा ड्यूरेशन का वीडियो होने पर आप जानते हैं जो थोड़ा उसको वॉचिंग करना बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यदि हम आपको एक घंटा का वीडियो बनाते हैं तो कम से कम दो घंटा, कम से कम दो अढ़ाई घंटे में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कम से कम, नहीं तो हो सकता है तीन तीन घंटा लगे, चार चार घंटा लगे, क्योंकि फेस टू फेस और ऑनलाइन में बहुत हाईली डिफरेंस है। कहने के लिए लोग कहता है जो ऑनलाइन में पढ़ाई हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये तत्काल हम लोग एक परिस्थिति बस काम चला रहे हैं, इसलिए काम चलाना और सही सही होना बहुत ही हाईली डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। अब बात है जो आपको लग रहा होगा जो फिजिकल केमिस्ट्री सब बोले हैं इसका मतलब और भी केमिस्ट्री है। हाँ, और भी केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये तीनों केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करने जाएंगे कौन सा केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्टार्ट होता है मिक्स होकर के। तो बस आज आप लोगों से इतना ही कहेंगे, ट्यूजडे को आपको फर्स्ट वीडियो अपलोड होगा, इसीलिए आप लोग अपना सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि ट्वेल्थ वाले इस वीडियो को वाचिंग कर रहे हों, देख रहे हों, तो जो भी अपना रिलेटिव है उस सभी को भी सब्सक्राइब कर देना है, ताकि उस दिन आपको वीडियो मिल जाए। बस आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा बुक के बारे में भी आप लोगों को कुछ बता दें, क्योंकि डाउट होगा। बुक में जो है हम बात करेंगे, एनसीईआरटी तो कॉमन रहेगा ही, एनसीईआरटी ये कॉमन है, चाहे नीट का तैयारी कर रहे हो, जेई का तैयारी करेंगे, और ट्वेल्थ के लिए तो है ही। उसके अलावा फिजिकल में आरसीएम और एन अवस्थी दो बुक लेकर के चलेंगे, इसके अलावा मतलब इस दोनों बुक के अलावा, तीनों के अलावा यदि और भी आपको बनाने का इच्छा हो, यदि और भी लगे जो मुझे बनाना है, तो मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप बेहिचक क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ऑफलाइन होने पर। फिर ऑर्गेनिक का भी आगे बुक बताएंगे, और डीपीपी तो आपको मिलेगा ही, इनऑर्गेनिक का भी बुक बताएंगे। लेकिन बुक के लिए अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ आपको कुछ ब्यूजी रखना है। उम्मीद है जो आप लोगों के समय तक ऑफलाइन क्लास हो जाएगी। तो बस इतना ही कहते हैं।